छत्तीसगढ़ के कई तहसीलों में सूखे के हालात हैं। अगस्त और सितंबर में बारिश होने पर भी पानी की कमी दूर नहीं होने की बात कृषि विशेषज्ञ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि वह छत्तीसगढ़ की अनिर्णय की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के भविष्य को अंधेरे में डुबोने के लिए जिम्मेदार है। इस सरकार के पास किसानों के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं, पहले से प्लान बनता है, इमरजेंसी प्लान बनता है। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं, वह संभागों में जाकर बैठक लेते हैं, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। पानी अच्छा गिरा तो क्या होगा, पानी ज्यादा गिरा तो क्या होगा, पानी कम गिरा तो क्या होगा। इस सरकार के पास तो सामान्य पानी की स्थिति में भी बीज उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है। अगर ज्यादा पानी गिरने से बस्तर में फसलें खराब हो गईं, तो उनको दोबारा बीज कहां से उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अनिर्णय की सरकार है। यह किसानों के भविष्य को अंधेरे में डुबोने के लिए जिम्मेदार है। इस सरकार के पास किसानों के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़िया को हीन भावना से देखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की गाते हैं और दिल्ली वालों को खिलाते हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है इनकम टैक्स के छापे में कैसे 200 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार मिलता है। ये छत्तीसगढ़ के पैसे को उत्तर प्रदेश में लुटाते हैं, असम, उत्तराखंड में लुटाते हैं और अब गुजरात में लुटाएंगे। खाली बात छत्तीसगढ़िया की करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा कि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहे, क्या वह छत्तीसगढ़िया नहीं है? 72 लाख घरों को जल जीवन मिशन का पानी नहीं मिल रहा, क्या वह छत्तीसगढ़िया नहीं है? हिंदी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों को तुलना में उनसे छोटा माना जाता है, क्या वह छत्तीसगढ़िया नहीं है? किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? यहाँ पर सामूहिक आत्महत्या हो रही है, क्या वह छत्तीसगढ़िया नहीं है? खाली छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़िया के साथ में जितना अन्याय, अत्याचार, दुर्भावना किसी ने की है तो वह भूपेश बघेल ने की है। अग्रवाल ने बेरोजगारी के नए आंकड़ों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालय में 21 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देने का होर्डिंग में दावा करती है, लेकिन विधानसभा में बताया कि सिर्फ 18 हजार लोगों को रोजगार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।